दो तरह के लोग मिलते हैं, कुछ वे जो अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों में गिने जाते हैं, तो दूसरे वे जो लोक में विफल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जब कभी किसी सफल व्यक्ति की चर्चा आती है, हर व्यक्ति के मन में ये उमंग जागती है कि मैं भी उनकी तरह सफल हूँ। पर सवाल, केवल चाहने से तो सफलता नहीं मिलती, सफलता कब मिलती है? आज थोड़ी सी उसकी बात करके बहुत अच्छी बात कही गई कि जीवन में कोई कार्य करो तो पांच बातों का पूरा ध्यान रखो। प्रत्येक कार्य को करते समय पांच बातों का पूरा ध्यान रखो, अर्थात उपस्थित साधन, औजार, कार्य का स्वरूप, सही समय और कार्य करने का उपयुक्त स्थान। बहुत ही अर्थपूर्ण बात है। आप कोई काम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो जो कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों तरह के कार्यों में आपको सबसे पहले साधन पर ध्यान देना होगा। आपके पास उपस्थित साधन क्या है? क्योंकि बिना साधन के आप कोई कार्य नहीं कर सकते, ये विधान हो रहा है। अब विधान के लिए यदि अनुकूल साधन सामग्री न हो तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार धंधे की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, अथवा आत्मकल्याण की बात करते हैं, अनुकूल साधन चाहिए, उपकरण चाहिए। मोक्ष मार्गी साधक के लिए कहा गया कि तुम गुरु वचन को अपने लिए अनुकूल उपकरण मान करके चलो, जिससे तुम अपना उत्कर्ष कर सको। लोक जीवन में भी आप कोई कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए अपेक्षित संसाधन को जोड़ना अत्यंत अनिवार्य है। समुचित साधन वो जीवन में जुड़ने चाहिए। तो साधन कहाँ से आएगा? साधन जोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं जुड़ता। तो कोई भी कार्य करे तो साधन को पहले अनुकूल साधन को अपने साथ जोड़े, उपकरण को अपने साथ जोड़कर चले, उस काम के स्वरूप को देखे। जो काम मैंने हाथ में लिया है उसका स्वरूप क्या है, कितना बड़ा काम है? जितना बड़ा काम है उसी के अनुरूप आपकी तैयारी और तत्परता होनी चाहिए। हल्के में लेंगे तो मामला अधूरा रहेगा। कभी भी कोई कार्य करो तो उसे एक बार मत करो, दो बार करो। दो बार करो का मतलब पहले आप उस कार्य को अपने मन में करो, उस पूरे की पूरी, मान लीजिए आपको कोई यात्रा पे जाना है, आप बिना तैयारी के यात्रा के लिए गए, हो सकता है आपको बहुत सारी दिक्कतों का अचानक सामना करना पड़े। मैनेजमेंट कहता है कि यात्रा से पूर्व एक मानसिक यात्रा कर लो, और मानसिक यात्रा करते समय यदि आपको पहले से ही इन बातों का आभास हो कि कहीं कोई कठिनाई ना हो, और वो कठिनाई आने वाली दिख रही हो, उस कठिनाई की संभावना दिखती हो, तो आपने यदि पहले से ही उसका समाधान साथ ले लिया तो कोई काम नहीं रुकेगा।